बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी अपडेट है, ख़ास करके उन लोगों के लिए जो लोग सऊदी अरब का सफ़र करना चाहते हैं। चाहे आप लोग पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, इंडिया से हैं, या फिर बांग्लादेश से या किसी भी ममालिक से हैं और सऊदी अरब का सफ़र करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो इसकी मुकम्मल डिटेल आपको मिलेगी इसी वीडियो में, तो वीडियो पूरी देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में दीगी बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी लाजमी कर दिया करें। तो आप लोगों को बताती चलूं, पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से रोज़ ब रोज़ हंगामे किए जा रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से, कि ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और NCOC का जो कोरोना की लिस्ट आती है उसमें भी कभी बताया जा रहा है कि केसेस कम हो रहे हैं, कभी बताया जा रहा है कि केसेस काफ़ी हद तक ज़्यादा हैं। तो इस वजह से सऊदी हुकूमत का ये कहना है, जहां 11 लाख बंदों ने सफर करना था वहां 6 लाख बंदों को इजाजत मिल चुकी है, इसके अलावा 5 लाख जो बंदे हैं उन्हें सफर की इजाजत नहीं होगी। तो आप लोग जल्द से जल्द सऊदी अरब का सफर कर लें, ऐसा ना हो कि फ्लाइट्स फिर बंद होकर दी।